कपूरी, सकूरी, रहमतुल्ली, कबुल्ली, अल्लाह गई, और वो हमारे घर में वो पतिव्रता है। इस बात से आपको क्या लेना देना है? इस बात के ऊपर जान और माल की बाजी लगा दूंगा। दोनों दोस्त थे मगर माश लेना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि पति भरता सरदार चाप सिंह के है या नहीं है। हजूर, चाप सिंह ये क्या कह रहा है? हजूर, अगर इसके घर पतिवर्ता स्त्री हुई अच्छा तो हमारी जान मारी जाए, अच्छा हमारी तनख्वाह के टके इसको दे दिए जाए। तो मंजूर है? मंजूर है। अगर न हुई चे चुना चे गोवा। अरे सीधा बोल। सीधा के मैं कुत्ती में को बोल रहा हूँ। सीधा बोल। अगर ना हुई अच्छा इसकी जान मारी जाए, अच्छा इसकी तनख्वाह के टके हमारी फाटक के अंदर डाले जाए। क्या तुम दोनों को मंजूर है? मंजूर है। तो थाने के दफ्तर में दस्तक कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ। मैंने लिख दिया है चार सिंह बा कलम सुन लाओ, होल्डिंग पेन इधर आओ। सु आ गया। छोरे मुंह करो, इधर मुंह करो। अरे क्या करता है? ये डोपा लेता हूँ। हजूर मैंने लिख दिया शेर खान बकलम खुर। अरे खुर क्या है? ये जो पिछला महीना गया सर्दी थी इसमें, अच्छा मेरे जुखाम हो गया था, अच्छा खांसी हो चुकी थी, अच्छा मैं ऐसे खासा करता खुर खुर खुर, वो आदत बनी हुई है। सब आदत निकल जाए। आदत तो सब निकल जाएगी। इनके जाने में कितने रोज हैं? एक महीना। एक महीना जी हाँ। तो 15 रोज की छुट्टी मेरे को दे दो आप। ठीक है, मिल जाएगी। शेर खान, हाँ 15 रोज की छुट्टी तो बादशाह की तरफ से है। अच्छा, और 5 रोज की छुट्टी मेरी तरफ से है। जी चाहे कुछ भी कर सकता है। 20 रोज? हाँ 20 रोज में तो बेटे नया नाच खुआ दूंगा तेरे को मैं। चल मैं जाता हूँ। आइए। और शेर खान कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ के नटनियों का और तुआफों का मोहल्ला था, क्या आवाज लगा था। हाँ भाइयों, हाँ ये मोहल्ला किन लोगों का है? ये है ब्राह्मणों का। ठीक है, मैं अगले मोहल्ले में जाता हूँ। ये मोहल्ला किन लोगों का है? ये अंगियों का। अरे वे कहाँ रहते हैं? अरे वे इधर की इधर लगाते हैं, उधर की उधर लगाते हैं। सीधे चले जाओ, सीधे। अच्छा वहाँ पे जाना है आपको? कमाल है, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? अच्छा से जाइए, सीधे जाओगे आप, फिर अगला चौक आएगा उसे राइट मुड़ जाओ। अच्छा, और फिर आगे लेफ्ट, फिर कोणी वाले रास्ते में मुड़ जाना। कोणी तो दोनों का है। लाइन में खड़ी हो जाइए। लाइन में हो जाइए। ऐसे हाँ जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा हरी मिर्च। ठीक है, नजले में काम आती हो। और आपका नाम? लाल टमाटर। ओ तेरी पिचकारी। और आपका नाम? हरो धनिया। और आप क्या हो? मेरा नाम अदरक। ठीक है। ए मिस्टर, आपने हमारा नाम तो पूछ लिया, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सिलबट्टा धर रगड़। ये भी कोई नाम हुआ? सारा सब्जियों का सौदा बतला दिया ना। तो ओरिजिनल नाम बता दे तुम्हें। एक बात बताइए, क्या आप में समझदार कौन सी है? समझदार? हाँ मैं। आप ही हो? एक बात बताइए, आप बैठिए। ए मैडम, आप बैठिए। यहाँ कोई चाप सिंह नाम का राजपूत रहता है? हाँ रहते हैं। हाथ छोड़ दीजिए। रहता है? हाँ बिल्कुल रहते हैं। उसके कोई नई छत्रानी आई हुई है? हाँ आई हुई है, आई हुई है। आप मेरे को उससे मिलवा दो। ए बदतमीज, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता है वह हमारे शहर के अक्षत्रिय हैं, उनका नाम लेने से धरती और आसमान दोनों लरज। बस हमारा नाम लेने से धरती आसमान तो क्या, बीच के सब समान लरजते हैं। वो आपको जान से मरवा देगी। वो कैसे मरवा देगी? हमारी एक बात सुनिए। सुनाइए। देखिए ध्यान दे करो। देखिए श्रीमान जी, इंसान दुनिया में आता है अच्छाई करने के लिए, लेकिन वो बुराई के रास्ते पर चलता है। वो कैसे मरवा? हम तुम्हें फिर भी अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा सुनिए, वो कैसे? करे करे काम से, वो से करे दिल में। अच्छा, डूबेगा बिने पानी। कह दिया कि कर कामों से।
होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी। अच्छा ये ना मिलने ते ओ धरती लरजे वरज पुता की रानी। अच्छा नाम लेर से धरती लर्जे रज भूता की रानी। पहली बात सुनिए और ये ने उकी भूपने आई बन में जाके और करी तपस्या भारी और सूरज के राजा बना दिया जा तक इंद्र की रानी। और इसकी कीमत में और अंधागो करी आई अरिसिया की असीवारी। उसका धर्म नष्ट हुआ और श्राप दे दिया लात ऋषि के मारी। और सूरज ते गिर गया और जगर बन गया दंड मिला। उनको क्या मिला? और इंद्र संग आए इंद्र संग देखो तनु चले और मत के की बात में जी और को जगे गौतम के घर पे और जारी करने रात ने जगत में ओ चोर जार का।
पाना यो हो रे जूता पिटता ओरे फिरे रात दिने लगे फुट में के लाना तालियों की गड़गड़ाहट सुनती रहे, मेरे ख्याल से 1000 बरस तक हम जीतेंगे। कहा है के लक्ष्मी चंद राम गुण गाले जिंदगानी दिन दस की। अच्छा इतना दम तेरे में कोना में भी दी सुन सुनस की। अच्छा बुरा कदे सत छत्रा पड़ की आती नाम कस की और जरज पुत्र न जान पाठ जब बात रहना बस की। क्या करेंगे तुम्हारे साथ, क्या करेगी? अगर वो भी नहीं करेंगे तो ऊपर भगवान के घर क्या होगा? काट तेरी तो टूक बना दे घर बिल, क्या करेगी पठानी? आ रहा गे मारे आड़े। लोकल वास है, ओरिजिनल कौन है कदे नु सोचो। हम भी समझ गए, सिलवार का जमाना है पजामे ना कोई नहीं पूछता। अगले पजामा पहनती है कोना पेंट पहरे। एक बात है जी, हमारे बाबूजी ने 800 रुपये, हमारी सरकार ने 200 रुपये देते, बहुत बहुत धन्यवाद। पठानी को तो तब भी लगना है और तब भी। तो मैं क्या करूं? आप मेरे को उससे मिलवा दो, आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मुझे? हाँ। अच्छा? तुम्हारी साथ पुश्तैन बैठ करके खाएंगी, इतना इनाम दे दूंगा तेरे को। क्या कुछ कहना भी चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम कुछ नहीं कहना चाहते? हाँ। तो मैं भी सुनना पसंद नहीं करती। तो जाइए, इनाम मिलेगा ना, बहुत इनाम दूंगा। आपको एक काम करना होगा, इतने मैं तुम्हारा काम करके आऊँ। अच्छा इतने आपको मेरे कोठे का पहरा देना है। आपके मकान का? जी हाँ। आगे का या पाछे का? घर का या उधर का? दोनों साइड का देना पड़ेगा। ठीक है मैं देता हूँ, आप जाइए। आओ वो सरदार चाव सिंह की बुआ का भेष बनाकर
और जाकर संतरी से बातें करती है। क्या कहती है? सौ रुपये हमारे बाबूजी देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जो पैसे दे रहे हैं उनका तो धन्यवाद ही है, लेकिन जो नहीं दे रहे उनका ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि अगली बात तो सुनिए, इन्होंने इतना कीमती वक्त इस हरियाणा की संस्कृति के लिए दिया, इनके लिए मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत चलू नाच गया इसे दिखे, जब मैंने काम नहीं करा ना बिगाड़ खाता कर दो। संतरी जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं हाँ सरदार चरण सिंह की बुआ हूँ। कब से? जब से बुआ हुई मैं हूँ। बंदो इकट्ठे हुए थे? ना ना, न्यारे न्यारे हुए थे। तो वो ये बात किस काम के लिए आई हो? मैंने उनसे मिलना से। वो तो यहाँ पर नहीं है। उनकी अक्षतरानी है, वो यहाँ पर है, उनसे मिलवाइए। आप बैठिए, अभी आया। रानी नमस्कार। नमस्कार संतरी, क्यों आया भाई? डोड़ी बेग बुढ़िया भाई आई हुई है। तो महाराज की बुआ बतलाती है। क्या बतलाती है? महाराज की बुआ बतलाती है। तुमने उनको कभी पहले देखा? जी नहीं। आप एक काम करो, अंदर भेज दो। ठीक है। चलो अंदर। क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? जी हाँ, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी। मेरे ख्याल से यही है वो। ए बुढ़िया जी, राम जी की। हाँ जयराम जी, हरी तेरा पाप। ए बूढ़ सुहागण रे, ऐ तेरा कमाऊ बना रे, राम जी तेरा छोरा दे जाडा में। बुढ़िया? हाँ बुढ़िया। हाँ तेरा नाम की से? एरी सोमवती शुभ नाम मेरा, बहु बोली पाया बड़के। दाता जल से ठीक है।
पीर मरद से पहुंच रहती के और गणेश सद्दा में लाड़पति के कदे ना बोले लड़का चाहे रात दिन लड़ता हो और घर वाला 15 दिन बाहर रह जाए नुका गणी याद आ रही उसकी। अबे है ये हमारे हरियाणा का कल्चर है नुका गणेश सद्दा में लाड़पति के कदे ना बोले लड़का और चाहे लड़के गया हो। बुआ जी हाँ कैसे आना हुआ आपका? मने तेरे से मिलना से और मिलन खातर आई से लो बता सरदार चाप सिंह है ना 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 वो तो को ना रे भरा को नहीं हुई ड्यूटी पे गए। अच्छा मैं भी राम जी के मैं तो चालू सुनिए सुनिए बुआ जी ठहरिए जब तक मेरे पति आए आप मेरे पास रहो मैं आपकी सेवा करूंगी। कति फूल और देख ले फूल से भी आगे ले। अच्छा हाँ डट गई 5-7 दिन जब रहते सहते हो चुके उस चुत्ती ने सोचा कि ये देखना चाहिए कि छतरानी का हित किस चीज में है। एक दिन पटका और कटार उसल खाने में नहाने के लिए लेके गई तो नू बोली री बोड़िया मेरे ऐसा जी करे से जब मैंने हाथा का मल मल के खूब लू बोड़िया। हाँ आज से मेरे इसे जी करे के इसा जी करे के चलो मैं अपने हाथ से पति अपने हाथ से सच अपने हाथ से ए तने मल मल कर लू। देखिए बुआ जी हाँ मेरे पास में बंदी काफी है दूसरी बात मैं खुद नहाना जानती हूँ। हाँ। ना इस ना तेरी बंदी नु आवे ना तू आप तो ना से नहीं 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 बुआ जी आप बैठ जी इस सब पढ़ ला दूंगी नहीं नहीं मैं आप लगा लूंगी ये तेरी कड़ मसल दूंगी आपे मसल दूंगा मैं तेन आऊंगी जरूर से ना 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 बैठ हराम शादी धमका दे तेरा बैठा दी नू सोची जब पति ना मेरा पाट गया अक मेरी बुआ धमका दी तो सिर ना काट देगा नू बोली री बुआ तू रोटी जीव ले तेरी फुफसी तम क्यों हंस रहे खामा खामा मारी आपस में बिगड़ रही है मजे ले रही है तेरी बुआ तेरी तू रोटी तो जिम ले ए मैं ना खाती तारी रोटी वोटी क्यों के बात है ए जिम मेरे जीवते मेरे भाई और मेरी बापी मरे ना जीवते इस घर में मारा आना जाना ही बंद हो गया तू इसे भूखे घर की आई से आगे जीव तो तू आई से ना हमारे हाथ कीमत लगते है रे बुआ जी ये बताइए आपको क्या चाहिए। मुना चाहिए पटका कटार। यो पटका कटार मैं आपको नहीं दे सकती क्यों क्योंकि मेरे पति की निशानी है इसको देख करके मैं नाना धोना खाना पीना पूजा पाठ करती हूँ। अरे बोलिया कल तेरी देवर का ब्याह से है इसमें सरदार चाप सिंह तो यहाँ पर नहीं है। अगर वो होते तो वो मौजूद होते उनकी गैर मौजूदगी में हमारे यहाँ क्षत्रियो के गैर मौजूदगी में पटके कटार को आया करते हैं। आप मुझे ये दे दीजिए परसों को मैं लेके आ जाऊंगी। कल थे मेरे देवर की शादी हुई और परसों ने तू लेकर आवेगी और कल ने मैं भूखी मरूंगी क्योंकि बात इसने देख कर मैं भोजन करूं हूँ इसने देख के और सरदार जी ने देख के खा लिया करा इसने देख कर मैं भोजन करूं भूखी मरूंगी मैं कल ने। एक काम करिए हाँ आज तक खा लिया होगा हाँ अरे काल की दिन है मंडे के मेरा कौन सा दिन है काल है मंगलवार। हाँ संतोषी माँ का व्रती रही है मंगलवार ने और हनुमान जी का रखा जाग रहे हनुमान जी का और हमने नहीं दे रहा। देखो बुआ जी हाँ। ये पक्का कटार मैं आपको दे दूंगी। अच्छा लेकिन मेरी इज्जत का ध्यान रख मैं इज्जत का ध्यान रखू और की मैं करती है कौन है। अब प्रेमी सुनो वो पटका कटार लेके कहां थी जा शेर खान बैठा हुआ था आई नहीं मेरी खल्ला क्या बात है। अरे आ गई मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या कुछ काम बना है ये इसे पेट में दे लूं पेट में दे लूं। हां ये पटका है हाँ। इससे फांसी खा लूं। फांसी खाइए ये कोई खास निशानी नहीं है और क्या चाहिए?